गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. तो बच्चों लास्ट टाइम में हम जो ले रहे थे वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले रहे थे. मैंने देखा है कि अभी इमरान सर के लेक्चर में बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी एंजॉय करे, काफ़ी ज़बरदस्त कमेंट्स भी चले. इमरान सर मुझे बता रहे थे कि कोरोना वायरस को ज़्यादा नज़दीक से समझ रहे, पर देखो ज़्यादा नज़दीक से मत समझो, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रख के समझना कोरोना वायरस को, ठीक है. अभी जो हम टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक में ऑलरेडी मैंने कल स्टार्ट किया था बच्चों के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. कल मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताया था, बेंजीन, टोलिन, ज़ाइलिन, मेसिटिलीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनैंथ्रीन. तो वो कंपाउंड आज मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं आपको नए कंपाउंड बताऊंगा, ठीक है. वो आपने देख लेने के बाद जो मैंने कल कंपाउंड बताया था, और कल मैंने आपको उनके इमीडिएटली मॉलिक्यूलर फार्मूले कैसे बनाना, फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे पहचानना. कल मैंने आपको दो क्वेश्चन दिया था, पहले वो दो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ. आई थिंक मैंने एक पैरासिटामोल का क्वेश्चन दिया था, एक एस्पिरिन का क्वेश्चन दिया था, राइट? सही है, ठीक है. तो पैरासिटामोल और एस्पिरिन के जो दो क्वेश्चन थे वो पहले हम लेते हैं. चलो बोर्ड पे ध्यान दो. ये कल का बच्चों पहला स्ट्रक्चर था, बेंजीन रिंग बॉन्ड OH, बॉन्ड NH, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH3. इसको हमने पैरासिटामोल का नाम दिए थे. तो मैं इसके पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड समझाता हूँ. देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही देख लेंगे. इसको बाहर से इधर एक बॉन्ड अटैच है, इधर एक बॉन्ड अटैच है, ठीक है. तो इसके दो हाइड्रोजन कम हो गए, मींस इसमें होगा दैट इज C6H4. ये वो फार्मूला है जो आपको महसूस करना है. और बाकी जो दिख रहा है मतलब ये कार्बन 6 हो गए, तो इसको लेके शुरू करेंगे 6, फिर इधर क्या भी 7 8, कार्बन 8 हो गए, हाइड्रोजन 4, फिर ये 5, 5 और 3 8 और 1 9. तो कार्बन 8, हाइड्रोजन 9, मतलब 4 5 3 8 और 1 9, ऑक्सीजन 1 और 1 2 2, इधर एक और नाइट्रोजन 1. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H9O2N. शाबाश, वेरी गुड. तो N1 को हम नॉर्मल N भी लिख सकते हैं, ठीक है. बहुत सारे बच्चों ने कल आंसर दिए थे इसका, बड़ा अच्छा लग रहा मुझे कि बच्चे फटाफट सॉल्व करके भेज रहे. तो ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, इसमें से कॉमन कुछ नहीं निकलेगा. तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला यही उसका क्या रहेगा, एम्पिरिकल फार्मूला. कर लो, चलो वेरी गुड. अब इसका हम बनाएंगे, ये पैसे पैरासिटामोल है, दिस इज द पैरासिटामोल. पैरासिटामोल ये जो कंपाउंड है ये एंटी पायरेटिक कैटेगरी में आता है. एंटी पायरेटिक मीन्स ड्रग के यूज पर से उसका कैटेगरी पड़ता है. जैसे आपको बुखार वगैरह आता है तो आप एंटी पायरेटिक लेंगे, अगर आपको जख्म वगैरह लगती है, वाउंड्स या कुछ कट्स होते हैं तो आप एंटीसेप्टिक लगाएंगे, आपको पेन वगैरह है तो आप एनाल्जेसिक लेंगे, जैसे कि एस्पिरिन एक तरह से एनाल्जेसिक है ना, निम्सुलाइड कंटेंट होता है उसके अंदर, आपको पता होगा. या अगर आपको इन्फेक्शन वगैरह तब एंटीबायोटिक यूज करेंगे. तो ये अलग अलग टाइप के ड्रग्स है डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज, ठीक है. डायक्लोफिनेक भी एंटी एनाल्जेसिक, अच्छा एनाल्जेसिक डायक्लोफिनेक ले सकते हैं अपन, ठीक है. तो यहां तक क्यों हो गया सर, ऊपर का हाइड्रोजन आपने काउंट नहीं किया, किया ना भाई, अंदर के 4 हाइड्रोजन, ये 5 5 और 3 8 और 1 9 काउंट किया अपन ने हाइड्रोजन, सही है, काउंट किया ना अपन ने हाइड्रोजन, काउंट तो किया अपन ने, ठीक है, बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाना, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की मैं सिंपल टेक, इसका कंप्लीट मैं स्ट्रक्चर स्प्लिट कर रहा हूँ. इधर देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर हम स्प्लिट कर रहे हैं. ये O बॉन्ड H, ये नीचे का नाइट्रोजन, इसके पास का ये हाइड्रोजन, देन बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड O, बॉन्ड C, बॉन्ड H, बॉन्ड H, बॉन्ड H, ध्यान में रखना. तो बच्चों देखो मैं ये बॉन्ड को लेके और ये नीचे के बॉन्ड को लेके इसको सर्कल ले रहा हूँ, क्योंकि ये बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड हमने बेंजीन में ऑलरेडी काउंट करे थे. इसके अंदर जो थे वो 12 सिग्मा बॉन्ड थे और 3 पाई बॉन्ड थे. जो बच्चा पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहा होगा ये उसको काफी डिफिकल्ट लेवल का लग रहा होगा, बट
बिलीव मी, मैं पिछले 2-3 दिन से समझा रहा हूँ, तो जो बच्चे पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो, ये हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 है, तो आप 9, 10, 11 ये 3 लेक्चर देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पिछले 3 लेक्चर के अंदर ये पूरी कहानी है, इसके लिए आपको पिछले 3 एपिसोड देखना पड़ेंगे। इसके वेब सीरीज चल रही है अपनी अभी, ठीक है। तो इसके बाद ये 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड हो गए, फिर ये इधर का सिग्मा बॉन्ड है, चेक कर लो, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा और एक पाए है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो टोटल कितने सिग्मा हो गए चेक कर लो। तो 12 तो पहले से थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 शाबाश, 20 सिग्मा अथर पाटोले, देन अक्षत, बहुत सारे बच्चों ने उसके ऊपर भी नाम चले गए, तो अच्छे आंसर दिए। 20 सिग्मा बॉन्ड और 4 पाई बॉन्ड हो गए, तो इसके अंदर 20 सिग्मा बॉन्ड है और 4 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को ऐसे सिंबॉलिकल दिखाते हैं, पाई का सिंबल, ठीक है, आपको पता है कि ये पाई का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ पाई। तो 20 सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा जो है ना, ये जो 6 होता है, 6, ठीक है, ये 6 को अगर अपने जोर से कहीं खींच के झापड़ लगाए 6 को 6 को, तो थोड़ा सा चपक जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा इस तरह से। तो या फिर हमने देखे थे परसों दिन जो तूफान आया था, उस तूफान में जो 6 अगर भटक गया बाहर, जैसे कल हमने देखे थे कि एंथ्रासीन भटक गया तो चपक के फिनेंथ्रीन बन के आ गया था, एक रिंग उसकी उड़ते उड़ते बच गई थी। तो इसी तरीके से जो 6 है इसको एक झापड़ लगा तो सिग्मा हो जाएगा, दिस इज द सिग्मा। तो ये अपना जो होगा बच्चा पैरासिटामोल हो गया, पैरासिटामोल एक तरह से एंटीपायरेटिक है। इसके बाद में आता हूँ मैं, एक बात बताऊँ आपको, पैरासिटामोल का जो IUPAC है, मैं चलो ये बता देता हूँ अगर आप ध्यान में रख पाए तो, इसके अंदर OH की प्रायोरिटी जो है वो 1 होती है, और इसका नंबर कितना आएगा 4, एंड दिस होल ग्रुप इज कॉल्ड एज एसिटामिडो। तो बच्चों ये रहेगा 4, दिस इज, ये समझ में आया तो ठीक है, टेंशन मत लेना, मैं हायर साइड बता रहा हूँ। 4, दिस होल ग्रुप इज कॉल्ड एसिटामिडो, नाम है इसका एसिटामिडो, और जो बचे हुआ कंपाउंड है, मैंने कल ही बताया था बेंजीन रिंग को अगर OH ग्रुप अटैच हो तो उसको फिनॉल कहते हैं, तो इसका नाम रहेगा 4-एसिटामिडो, 4-एसिटामिडो फिनॉल। अगर ये आपको नहीं भी समझा तो टेंशन मत लो, ये हम 12 स्टैंडर्ड में फिर से पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चे शार्प है जो इस पॉइंट को गेन कर सकते तो कर लेना, 4-एसिटामिडो फिनॉल इसका IUPAC नेम है, पैरासिटामोल का। अगला कंपाउंड मैंने कल बच्चों ये बताया था, याद करो ये वाला कंपाउंड बताया था, बेंजीन रिंग बॉन्ड ओ बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड CH3, और यहाँ पे था सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, इसका नाम था एस्प्रिन, इट इज एस्प्रिन, और इसका केमिकल नेम था बच्चों एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड। इसको डिस्कवर किया था सर फेलिक्स हॉफमन, ये डिस्कवर किया गया पहला एनाल्जेसिक है, ये एस्प्रिन जो है ये एनाल्जेसिक कैटेगरी में आता है, ANALGESIC, एनाल्जेसिक का मतलब था पेन किलर, फेलिक्स हॉफमन है वो, ठीक है, डिस्कवर बाय फेलिक्स हॉफमन, एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर। जैसे कि आपको अगर क्रिकेट खेलते समय में एक आधे बार कभी बॉल जो है वो हाथ उंगलियों पे लग जाता है तो अपने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उसको हम जब सीधा करने जाते हैं तो थोड़ा सा उसमें तकलीफ होती है, दैट पेन विल बी, मतलब मसल्स पेन होता है। या रात में 1 करोड़ पे अपन सो जाते हैं, है ना, एकाकाकर झोपल्यानंतर सकाळी अपन जब उठतो हम वॉलिन स्प्रे लगाते हैं उसके ऊपर, तो बेसिकली वो पेन किलर ही है, ठीक है। तो आप वॉलिनी की ऐड करने लगते हैं है कि नहीं, वेरी गुड। तो मेरा कहना ये था कि जो पेन किलर हम लगाते हैं वो एनाल्जेसिक होते हैं मस्कुलर पेन को दूर करने के लिए, बट अगर हम उसमें से ब्लड निकल जाता है, जख्म पड़ जाती है, तो फिर हम पेन किलर नहीं लगाते, हम आप एंटीसेप्टिक लगाते हैं। एंटीसेप्टिक के लिए आपको पता होगा, एक जग जाहिर एंटीसेप्टिक अपने देश के अंदर सबको पता है कि डेटॉल है, पता है आपको डेटॉल, देन टिंचर ऑफ आयोडीन भी है, नाम सुनेंगे अपने टिंचर ऑफ आयोडीन, देन सैलॉल है, देन सैवलॉन है, डेटॉल तो सबको पता है, डेटॉल जो क्लोरोक्साइलिनॉल प्लस टर्पिनॉल को मिला के बनता है, नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये सारी चीजें एंटीसेप्टिक के अंदर आएंगी, ये सब चीजें केमिस्ट्री के अंदर आपको है, बहुत डिटेल में है। तो मैं इसका पहले मॉलिकुलर फॉर्मूला बनाऊंगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला देखो, इसके अंदर बाहर से ये 2 बॉन्ड अटैच है, तो इसके अंदर के 2 हाइड्रोजन कम हो गए तो बच्चों क्या होगा, C6H4, ये अंदर का स्ट्रक्चर हुआ है जो हमको महसूस करना है, ठीक है, C6H4, और फिर ये बाहर के कार्बन 6, 7, 8, 9, तो क्या होगा, दैट इज C9। हाइड्रोजन कितने चेक करो, अंदर के हाइड्रोजन 4, 5 और 3, 8, C9H8, ऑक्सीजन
एक दो तीन चार सी नाइन एच एट ओ फोर. सो दिस इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एस्प्रिन. ध्यान में रखना ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट और जेई का. एस्प्रिन का मॉलिकुलर फॉर्मूला, तो एस्प्रिन का मॉलिकुलर फॉर्मूला है सी नाइन एच एट ओ फोर. इसके बाद इसके अंदर हम निकालेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड. तो यही देख लेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड. देखो इसके अंदर के जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है ये जो है ये 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है. इसके बाद बाहर के सिग्मा काउंट करेंगे, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा और इसके अंदर 3 सिग्मा ये सी एस थ्री के अंदर. इधर एक सिग्मा एक पाई सिग्मा सिग्मा, तो टोटल सिग्मा ऐसे काउंट करेंगे 13 14 15 और 3 18, ये 3 हाइड्रोजन के 18. देन 19 20 एंड 21 21 हो गए, आपने कुछ गड़बड़ कर दिया इसके अंदर. 21 सिग्मा बॉन्ड. देखो ये फिर से ये 12 अंदर थे, 13 14 15 ये मिथिल के अंदर 3 हाइड्रोजन है ना. 12 मतलब 13 14 15 और 3 18 19 20 21 और पाई बॉन्ड ये अंदर के 3 थे, यहाँ का एक पाए इधर का एक पाए, तो इसके अंदर 21 सिग्मा बॉन्ड एंड 5 पाई बॉन्ड. सो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने एस्पिरिन का बनाया इसमें से कॉमन कुछ नहीं निकलेगा, तो भाई उसका कह रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. समझ में आया, चेक कर लो. मैं एक बात याद दिला दूं कि कल अपना जो रहेगा वो पीरियोडिक टेबल रहेगा और उसका बैच टाइम 12 से 2 रहेगा. तो कल संडे है, मुझे पता है 12 से 2 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरा ऑलरेडी 10 से 12 यहाँ पे एक बैच है. तो मैं 10 से 12 रिपीटर्स के अंदर पढ़ूंगा, 12 से 2 फिर आपके अंदर पढ़ूंगा, यानी संडे के दिन कंटिन्यू 4 घंटा बैच है कल. और आपका सिर्फ 2 ही आवर है, दैट इज 12 से 2. तो मेरा बैच रहेगा अलग से, 10 से 12 रिपीटर्स का है, उसमें हम थोड़ा हायर साइड पढ़ते हैं. ये बच्चों एस्पिरिन हो गए. अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा आज. मैं बेंजीन से बनने वाले सारे एरोमेटिक कंपाउंड आपको एक के बाद एक लिख के दूंगा. समझ में आया? और आपको उनके नाम याद करना है, बस आपको एक ही बात ध्यान में रखना है कि हम ऊपर कौन सा ग्रुप लगाते, ठीक है. तो ऊपर जो ग्रुप लगाते, सर नमाज का टाइम 12 से 2 है ना, तो 1:30 बजे के. अब ऐसे बहुत सारे बच्चे जो नमाज घर पे पढ़ रहे हैं, अभी कोरोना की वजह से मस्जिद और मंदिर सब बंद किए हुए, अगर कुछ बच्चे मस्जिद में जाते भी है तो 1:30 बजे चले जाइए, जोहर का टाइम 1:30 बजे, ठीक है. और अब अपना जो टॉपिक हम ले रहे हैं कि कंपाउंड में आपको बताऊंगा एरोमेटिक कंपाउंड. तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है यहां से शुरू करते, तो ये इन सब का बाप बेंजीन है, ये बेंजीन है. बस आपको ध्यान में रखना है कि बेंजीन में हम ऊपर से कौन सा ग्रुप लगाते. तो पहले मैं शुरू करता हूं, मैं बेंजीन में OH लगा रहा हूं. सबसे पहले ये OH लगा देते हैं, तो इसको फिनॉल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल. और एक बात ध्यान में रखना, जब बेंजीन को एक ही बॉन्ड अटैच रहता है ना, तो इमीडिएटली इसको लिख सकते हैं C6H5, और उसके आगे क्या है OH है, तो C6H5 बॉन्ड OH. तो अब इमीडिएटली फिनॉल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक के पहुंच जाएंगे. तो अब मैं बोलता हूँ व्हाट इज फिनॉल, तो अब इसको वर्डिंग में बोलना रहा तो C6H5 बॉन्ड OH, समझ में आया. और स्ट्रक्चर बोलना रहा बेंजीन रिंग वर बॉन्ड OH, ऐसा बोलना है. कैसे बोलना है? बेंजीन रिंग वर बॉन्ड OH. अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेंजीन रिंग डोकावर बॉन्ड OH. तो डोकावर अजीब लगता सुनने के लिए, तो बेंजीन रिंग वर बॉन्ड OH, ये फिनॉल का फॉर्मूला हो गया. इसके बाद अगला कंपाउंड, देखो आपने 10th के अंदर फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा, जो बहुत कॉमन ग्रुप है CHO, इसको हम अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं. अल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप भी कहा जाता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो ध्यान में रखना. अल्डिहाइड ग्रुप CHO, बेंजीन के ऊपर अगर CHO लगा है तो इसका नाम बेंजाल्डिहाइड है. इसको हम कैसे लिखेंगे, फिर से बता रहा C6H5, तो दिस इज C6H5 बॉन्ड CHO. और आपको एक बार ध्यान में रखना, जो CHO लगाया ना हमने ऊपर का, इसका स्ट्रक्चर ये ऐसा रहता है बॉन्ड C, यानी ये सी है ना, तो बॉन्ड मैं काम करता हूं, पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूं इसका. देखो इसका पूरा स्ट्रक्चर बना दे रहे, बेंजीन रिंग बॉन्ड सी, ऊपर बॉन्ड एच, आगे डबल बॉन्ड. तो आप इमीडिएटली इसके अंदर सिग्मा पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गए अपने आप में.
एक बॉन्ड अगर अटैच है बेंजीन को तो इमीडिएटली अपन C6H5 पढ़ेंगे। C6H5 को मैंने कल फिनिल करके भी बताया था, कल याद करो मैंने आपको, बेंजीन रिंग एक हाइड्रोजन कम करो तो C6H5, ऊपर अगर CH2 लगाया तो C6H5 बॉन्ड CH2, जिसको मैंने बोला था बेंजाल, सॉरी बेंजिल बताया था, याद करो बेंजिल, मतलब एक था बेंजीन, देन एक था फिनिल, देन एक था बेंजिल और एक था बेंजॉइल, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CO लगाना था, बताया था मैंने आपको बेन। सर मॉलिकुलर फॉर्मूला भी होमवर्क दो तो निकालो ना, मॉलिकुलर निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड था इसको कहते हैं हम, ये यानी कि ये एक ही है, आप इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला, अब इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं, घर पे आके निकालना भी गड़बड़ मत करो, अथर पार्टों ने गड़बड़ कर दिया सिग्मा और पाई बॉन्ड। अब एक हरमुरे 12 सिग्मा बॉन्ड तो बेंजीन के अंदर ऑलरेडी है, आपको बाहर के सिग्मा उसमें ऐड करना था, यानी ये 13 ये 14 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, शाबाश वेरी गुड, 4 पाई बॉन्ड रहेंगे। फिर अथर पार्टोल ने पहले क्यों बोला भाई 7 सिग्मा है, 14 सिग्मा बॉन्ड और 4 पाई बॉन्ड है, तो ये बेंजाल्डिहाइड है। मुझे इसके बारे में एक अच्छा पॉइंट बताना है, इसको ऑयल ऑफ बीटर एल्मोंड कहते हैं, ये इसका एक जबरदस्त नाम दिया गया, इस नाम पर क्वेश्चन आता है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कभी के क्रिकेट की दुनिया में मास्टर ब्लास्टर किसे कहते, किसे कहते, सौरव गांगुली को कहते, सहवाग को कहते, वीवीएस लक्ष्मण को कहते, सचिन तेंदुलकर को कहते, शाबाश। तो ये जैसे लिटिल मास्टर किसे कहते, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहते थे, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहते, अभी के दौर में रन मशीन किसको कहते हैं, विराट कोहली को कहते, ठीक है। अब भाई एक बात बताओ, कैप्टन कूल किसे कहते, MSD को कहते, तो ऐसे कुछ नाम स्पेशल दिए हुए इनके, तो ऐसे बेंजाल्डिहाइड का एक स्पेशल नाम दिया हुआ है ऑयल ऑफ बीटर एल्मोंड, तो क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, विराट कोहली पे क्वेश्चन नहीं आएगा, खरमुरो इधर ध्यान दो अभी, अब वो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा था। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि बेंजाल्डिहाइड का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम उसका ऑयल ऑफ बीटर एल्मोंड है, ध्यान में रखना मैंने लिख दिया हूं। थोड़ा इसका एल्मोंड टाइप स्मेल भी होता है, ऑयल ऑफ बीटर एल्मोंड की हम बात कर रहे हैं, दो कंपाउंड निपट गए। अब मैं आपको आगे के कंपाउंड, देखो फिनॉल बेंजाल्डिहाइड, अब आगे ध्यान दो और आगे कुछ कंपाउंड बताने जा रहा हूं, बेंजीन रिंग को ऊपर हम अगर COOH लगा देते हैं तो इसको बच्चों बेंजोइक एसिड कहते हैं। अब ध्यान में रखना जो COOH ग्रुप है ना, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप, ये भी आपने 10 के अंदर पढ़े होंगे, जो फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड में होता है, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर निकालू तो ये रहेगा बेंजीन रिंग बॉन्ड सी, देन डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ, बॉन्ड एच, ये कार्बोक्सिल ग्रुप का स्ट्रक्चर है, सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ, बॉन्ड एच, तो दिस इज बेंजोइक एसिड। मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखना है तो C6H5, ये C6H5 बॉन्ड COOH, ठीक है। ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड का मॉलिकुलर फॉर्मूला, ये देखो फिनॉल बेंजाल्डिहाइड बेंजोइक एसिड। इसके बाद इन सब के आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड घर से निकाल के बताना है। इसके बाद अगला जो कंपाउंड मैं आपको बता रहा हूँ जरा ध्यान में रखना, ये बहुत ही जबरदस्त कंपाउंड बता रहा हूँ, OH है और इसके ऑर्थो पोजीशन पे हमको CHO लगाना है। देखो ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या था, OH अलग था और CHO अलग था, राइट, OH रहा तो फिनॉल, CHO रहा तो बेंजाल्डिहाइड। अब हम दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, यानी अब हम यहाँ पे खिचड़ी बना रहे हैं, पहले OH अलग था CHO अलग था, वो OH और CHO एक साथ जोड़ दे रहे, तो OH और CHO को जोड़ देंगे तो इसका नाम बन जाएगा सैलिसाइल्डिहाइड। क्या नाम बन गया इसका, सैलिसाइल्डिहाइड। अब देखो सैलिसाइल्डिहाइड के अंदर जो OH है उसको हाइड्रोक्सी कहेंगे। अब ध्यान में रखना ये जो कंपाउंड मैं बॉक्स में बनाया, ये वो बेंजीन को CHO अटैच है तो उसको बेंजाल्डिहाइड कहते, तो देखो इसको भी CHO अटैच और OH अलग, यहाँ OH को अलग से पढ़ते, OH को बोलते हाइड्रोक्सी, यहाँ OH को हाइड्रोक्सी बोलेंगे और वो इसकी ऑर्थो पोजिशन में, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और जो बॉक्स में कंपाउंड है, जो बॉक्स में कंपाउंड है उसको हम कहते हैं बेंजाल्डिहाइड। तो बच्चों इसका नाम रहेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज, ये सैलिसाइल्डिहाइड का दूसरा नाम है। अब आपको पता है कि CHO कैसा होता है, सी ऊपर बॉन्ड है, आगे डबल बॉन्ड हो, मैंने यहाँ बना के दिखाया था, चेक कर लो CHO का स्ट्रक्चर, और OH के अंदर तो झंझट ही नहीं, ओ बॉन्ड है, आप इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला बना सकते, आप इसका
नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बता सकते, समझ में आ रहा है? हाउ नहीं, कुछ समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो सैलिसाइल्डिहाइड एक कंपाउंड है जिसमें OH और CHO दोनों रहते हैं, OH और CHO दोनों रहते हैं, दैट इज सैलिसाइल्डिहाइड। तो OH और CHO दोनों रहते हैं, दिस इज सैलिसाइल्डिहाइड। और ऐसी एक खूबसूरत कंपाउंड और है, जरा देखना अगला कंपाउंड, OH है और यहाँ पर अपन ने COOH लगा दिया। अगर बच्चे समझदार है तो समझ में आना चाहिए कि हमने OH और CH दोनों जोड़ दिए। अभी देखो यहाँ पे, यहाँ OH रहा तो फिनॉल था और COH रहा तो बेंजोइक एसिड था। अगर बेंजीन को सिर्फ OH अटैच हो तो फिनॉल है, सिर्फ COH अटैच हो तो बेंजोइक एसिड है। OH और COH दोनों अटैच कर लिए तो इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड, इट इज सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। अब इसमें भी देखना कि OH की प्रायोरिटी जो रहेंगी कम रहेंगी। ये जो बॉक्स पे मैंने बनाया ये बेंजीन को COH ग्रुप अटैच है, चेक कर लो, बेंजीन को COH ग्रुप अटैच है और इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सी, और इसके कंपेयर में ये ऑर्थो पोजीशन है, चेक कर लो। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये बहुत ही अच्छे दो कंपाउंड निपट गए। और अगर ये आपने अच्छे से तरीके से कर लिए, मैं इस कंपाउंड से आपको आगे तीन बहुत ही जबरदस्त कंपाउंड बताऊंगा, जिसमें से एक आपने एस्प्रिन देखे हुआ है, चेक कर लो पहले। तो बच्चों अपन कहां तक के आ गए ये देख लेना कि सैलिसाइल्डिहाइड और सैलिसाइलिक एसिड समझ में आया क्या आपको? समझ में आया? हाउ नहीं, कुछ ठीक, एक बार फिर से देख लो, बेंजीन, दिस इज जस्ट बेंजीन, यानी C6H6, फिर इसका एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो C6H5, उस एक हाइड्रोजन के बदले OH लगाएंगे तो फिनॉल, उस एक हाइड्रोजन के बदले CHO लगाएंगे तो बेंजाल्डिहाइड, उस एक हाइड्रोजन के बदले COH लगाया तो बेंजोइक एसिड। हमने ये बेंजीन से फिनॉल, बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड बनाया। जो बेंजाल्डिहाइड है इसको ऑयल ऑफ बिटर एलमोंड भी कहते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या करे, OH और CHO दोनों एक साथ लगाए तो सैलिसाइल्डिहाइड, और OH और CH दोनों एक साथ लगाए तो सैलिसाइलिक एसिड। तो भी आपको कितने नए कंपाउंड पता चले बेंजीन के अलावा, वन इज फिनॉल, देन बेंजाल्डिहाइड, देन बेंजोइक एसिड, देन सैलिसाइल्डिहाइड एंड देन सैलिसाइलिक एसिड। कुछ भी नहीं करना है बेटा, बस जहां CHO था वहां पे COH लगा देना, एल्डिहाइड के जगह पे एसिड ग्रुप लगा देना, वो एच एज इट इज रहेगा। और ये जो मैंने बॉक्स में बनाया इसको पर्टिकुलर बेंजोइक एसिड कहते हैं। बेंजीन को अगर COH ग्रुप अटैच, मैं आपको कैसे पूछूंगा ध्यान में रखना, मैं आपको सिंपली बोलूंगा बेटा बेंजीन को अपन ने मिथिल लगाए, तो कल अपन ने देखे थे बेंजीन को मिथिल लगाए तो टोलिन होता, दो मिथिल लगाए तो ज़ैलिन होता, तीन मिथिल लगाया तो मेसिटिलिन होता, दो बेंजीन रिंग को एक साथ जोड़ दिए तो नैप्थलिन होता, तीन बेंजीन रिंग को एक साथ सिमेट्रिकल जोड़े तो एंथ्रासीन होता, तीन बेंजीन रिंग को जोड़े दो सिमेट्रिकल और एक थोड़ा टेढ़ी जोड़ दिए टेढ़ा, है ना, तो उसको फिनैंथ्रीन कहते, बताया था मैंने कल आपको ये। अब हम देख रहे बेंजीन को अगर OH लगाते तो फिनॉल होगा, बेंजीन को CHO लगाते तो बेंजाल्डिहाइड होगा, बेंजीन को अगर COH लगाते तो बेंजोइक एसिड होगा। OH और CHO दोनों लगाते तो सैलिसाइल्डिहाइड होगा, OH और COH लगाते तो सैलिसाइलिक एसिड होगा। तो आपको सैलिसाइलिक एसिड समझ में आया क्या? सैलिसाइलिक एसिड ये वो चीज है जिससे आप तीन बहुत ही अच्छे कंपाउंड बनाएंगे, और वो तीनों कंपाउंड मैं आपको भी बना के दिखाऊंगा। बट उसके पहले आपको एक बात ध्यान में रखना है, ये जो तीन ग्रुप है, रिमेम्बर CH3 का नाम मिथिल है, ये तो मेरे ख्याल से गरीब से गरीब को पता है अपने बैच के, देन C6H5 का नाम फिनिल है,
एनवाइल, ये मैंने कल ही बताया था, याद करो बेंजीन का यार। फायर रिपीट, आप इस लेक्चर को फिर से देख लेना, मतलब मुझे लगता अपन ने तो आगे आगे बढ़ना चाहिए ना, इतना बार 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 तो रिपीट किया अपन ने। मेरे ख्याल से कल शफिया खान नहीं, क्या नवेरा अधीन, आप अभी लेट बैच ज्वाइन करने लगते, तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपके हिसाब से रिपीट करूं करके। बाकी स्टूडेंट्स को पता है कि मैंने ऑलरेडी रिपीट कर दिया इसको, दो दो तीन तीन बार करा रिपीट अपन ने, अभी रिपीट करेंगे बेटा तो अपन आगे कब जाएंगे, ऐसे तो फिर देश संकट में है अपना। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो जो बच्चा लेट ज्वाइन कर रहा है वो थोड़ा सा अपने हिसाब से फिर से देख लो, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, इससे ज्यादा स्लो बताने का मतलब नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर फिर से देख सकते हैं क्या मैंने समझाया था करके, जस्ट कंपाउंड की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, ये सबके सब जो नाम है कॉमन नेम है, और जो नीचे लिखा वो उसका आईयूपीएसी नेम है, हम आईयूपीएसी नेम कह सकते हैं उसको, नीचे वाले को, ऊपर वाले कॉमन नेम है, नीचे वाले आईयूपीएसी नेम है। आपको एटलीस्ट एक कॉमन नेम पे फोकस करो, मैंने एडिशनल बता दिया कैसा होता है करके। ठीक है, चेक कर लो, ये CH3 मिथिन, C6H5 फिनिल, और एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड बता रहा हूँ, दैट इज CH3 को अगर हम CO जोड़ देते हैं तो इसको बच्चों एसिटिल कहते हैं, ACETYL। ये जो तीनों ग्रुप है ये आपके अच्छे से होना, उसमें पर्टिकुलर ये वाला ग्रुप बहुत काम का है। कल याद करो मैंने बताया था आपको कि बच्चों C6H6 को बेंजीन कहते हैं, बट व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन दैट इज C6H5, C6H5 को फिनिल कहते हैं। कल के लेक्चर में बताया था बेंजीन के बाद फिनिल आता, फिनिल में CH2 जोड़ दो तो बेंजील आता, फिनिल में CO जोड़ दो तो बेंजोइल आता, कल बताया था मैंने आपको। अब मैं एक बात ध्यान में रखना, मैं आपको अगले तीन कंपाउंड बताऊं और उसके बाद फिर हम डिफिकल्टी सेशन देखेंगे। CH3 मिथिल समझ में आ गया, C6H5 फिनिल समझ में आ गया, और CH3 को CO जोड़ दो तो उसको एसिटिल कहते, एसिटिल को असाइल भी कहते, ACYL। बेटा ये ग्रुप आपको कुछ देर के लिए लर्न करना पड़ेगा, जैसे आपने बचपन में ABCD को लर्न करे थे। CH3 मिथिल ये तो पता है, एल्किल का पहला एग्जाम्पल है, C6H5 फिनिल मैंने कल ही बताया था, और मिथिल में CO जोड़ दो तो एसिटिल होता है, क्या होता है एसिटिल, तो CH3CO मंजे एसिटिल। इसमें ये जो बॉक्स बना ना ये आपने 25 बार लिख के देखना चाहिए, CH3CO को एसिटिल और असाइल ग्रुप कहते, ये 25 बार लिख के आपको सेंड करना है मुझे, 25 टाइम्स लिखना है ये, 25 टाइम्स 25 बार। तो CH3CO को क्या कहते हैं एसिटिल यानी कि असाइल, CH3CO एसिटिल, चार पांच बार वैसे बकबक करते रहना, CH3CO एसिटिल लिखना चाहिए बकबक करते टाइम में, CH3CO एसिटिल, CH3CO एसिटिल, एसिटिल CH3CO। अरे समझ में आया, चलो ठीक है, अब देखेंगे, अब अपनी जादू बताता मैं अगले तीन कंपाउंड की। बेटा ये जो कंपाउंड मैंने बताया ये कंपाउंड अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, OH है फिनॉल होता, COH है बेंजोइक एसिड होता, दोनों तो सैलिसैलिक एसिड होता, चेक कर लो OH और CH दोनों अटैच। ठीक है, तो और ये हम इसको आगे भी कर सकते हैं, तब भी सैलिसैलिक एसिड ही रहेगा, फिर हो जाएगा मेटा हाइड्रोक्सी सैलिसैलिक एसिड, और हमने CH को आमने सामने कर दिए तो हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी सैलिसैलिक एसिड। मैंने इसके पहले लेक्चर बताया था ऑर्थो बेटा पैरा, बताया था ऑर्थो बेटा पैरा पोजीशन। चलो ठीक, मैं रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट टाइम सभी स्टूडेंट को कि आपने जो कैमरा है वो ऑन करके रखो करके, बार बार बोलने मत लगाओ, अदरवाइज मैं आपको बैच में से टर्मिनेट कर दूंगा।
कैमरा ऑन रखो, और अगर कुछ बच्चे नकाब वगैरह पहनते लड़कियां, तो आप नकाब पहन के भी आप लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। हम किसी को चेहरे पर का खोलने के लिए नहीं बोलेंगे, बट आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। समझ में आया? चलो वेरी गुड। अब अगर किसका कैमरा ऑन नहीं रहा, और कुछ बच्चों ऐसे हैं बिल्कुल रूम में अंधेरा करके बैठ जाते हैं, ऐसा लगता हो मैंने अंधेरा कायम रहे, ये डायलॉग मार रहे बच्चे बिल्कुल, तो बेटा लाइट दिखना चाहिए। आप अंधेरे में मोबाइल का यूज मत करो, उससे क्या होगा कि आपकी आंखों पे इसका ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो आप जिस रूम में बैठ के लेक्चर देख रहे हो, हल्का सा लाइट रहने दो, एकदम डार्क कंडीशन में मत ऐसा करो लेक्चर देखने का काम, ठीक है? मुझे दिखना चाहिए कि इंसान ही अपने लेक्चर देख रहे हैं करके। चलो ठीक है, अभी आपका आगे का जो पॉइंट है वो ये है कि सी एस थ्री मिथिल हो गया, ठीक है, सी सी एच फाइव फिनिल हो गया, और सी एस थ्री सी ओ जो हो गया एसिटिल हो गया। अब ये देखो सैलिसैलिक एसिड है, इसका नाम सैलिसैलिक एसिड है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट बताऊंगा, जरा ध्यान में रखना। जब भी आप सी ओ एच ग्रुप का एच निकालेंगे, रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी केयरफुली, व्हेन यू रिमूव हाइड्रोजन एटम ऑफ सी ओ एच ग्रुप, देन आईसी एसिड के जगह पे एट आ जाएगा। तो ये जो सैलिसैलिक एसिड है ना, ये बन जाएगा सैलिसैलेट। ध्यान में रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये सुने होंगे कि ये आपको पता होगा कि सी एच थ्री बॉन्ड सी ओ ओ एच का नाम है एसिटिक एसिड। ये पता है कि नहीं एसिटिक एसिड करके, इसको हम इथेनोइक एसिड कहते हैं। तो अगर मैंने इसका ये एच निकाल डाला, तो इसका जो इक एसिड है वो एट बन जाएगा, और वो पूरा एसिटिक एसिड का एसिटेट बन जाएगा। तो ये जो ग्रुप है इसके नीचे का, दैट इज सी एच थ्री सी ओ ओ। देखो मैंने क्या करा, वहां का एक हाइड्रोजन निकाल डाला, तो एक हाइड्रोजन निकाल डाले तो क्या बनगा, ये बन जाएगा फिर एसिटेट, ए सी ई टी ए टी। तो ये आईसी एसिड की जगह पे हिट आ गया। तो जब कभी भी आप सी ओ एच का एच निकाल लेंगे, तो वो एक एसिड के बदले एट हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ध्यान में रखना यहाँ पर कि क्या हो रहा है, ये जो आईसी एसिड है, आईसी एसिड तो इसके जगह पे ए टी ई एट हो जाएगा। तो सैलिसैलिक एसिड बिकम सैलिसैलेट। समझ में आ रहा? अब हमने यहां से कुछ निकाले तो कुछ देना पड़ेगा ना, तो फुकट में निकाल लिया अपने वासी पे, बोले ऐसी गम्मत गम्मत करते जा रहा था, निकाल लिया बोले। तो ये इंडियन मेंटेलिटी बंद कर दो तुम्हारी, भाई निकाल लिया तो फिर कुछ देना वहां पे। तो जो देंगे उसका नाम आपको पता होना चाहिए, और वो नाम है, अगर मैं इसके जगह पे मिथिल लगा देता हूं, जरा ध्यान से देखना रे, ये ओ एच बॉन्ड सी ओ ओ और बॉन्ड सी एच थ्री। एक बार ध्यान में रखना, ये एच निकालने के बाद जो बचा था वो ये था, बराबर, एच निकालने के बाद। और उसका नाम मैंने क्या बताया था, क्या वो सैलिसैलेट है, इट इज सैलिसैलेट। ये बहुत अच्छे से समझा के दिया मैंने कैसे सैलिसैलेट बना, और उस एच के बदले में वहां पे मिथिल लगा दिया। तो आपको पता है कि सी एस थ्री का नाम मिथिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मिथिल सैलिसैलेट। बहुत फेमस कंपाउंड है, इसका एक बहुत ही खूबसूरत नाम है, मिथिल सैलिसैलेट को ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं। जैसे नहीं बताया कि मास्टर ब्लास्टर जो सचिन तेंदुलकर को कहते, तो मिथिल सैलिसैलेट का दूसरा नाम है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और ये नीट और जेई में पूछे हुआ क्वेश्चन है, भारत देश में जितने भी स्टेट्स है ऑलरेडी उनके अच्छे अच्छे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन ये क्या है। तो ये मिथिल सैलिसैलेट का दूसरा नाम है, एक ट्रेड नेम है उसका, मिथिल सैलिसैलेट का ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। समझ में आया? ये कंपाउंड, इसके भी आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालते रहते। ये जो सी ओ ओ है ना, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कैसा है, कि बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच थ्री। ये मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया, इसके अंदर आप सिग्मा पाई बॉन्ड खेल सकते हैं। इसके अंदर महसूस क्या करेंगे, छह कार्बन चार हाइड्रोजन, फिर बचा हुआ जो दिख रहा हो दिख ही रहा,
वो सब जोड़ के इसका क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर कुछ कॉमन निकल पाया तो इंपेरिकल फार्मूला, नहीं निकल पाया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जिंदाबाद। समझ में आ रहा? चलो वेरी गुड। अब हमने जैसे मिथिल सैलिसाइलेट बनाया, मैं एक और कंपाउंड बना रहा हूं इसी से। जरा ध्यान से देखना, ये OH है, ये COO है जो मैंने ये बनाया, और वो H के बदले मैंने यहां पे लगाया जाए C6H5। अभी आपको पता है कि C6H5 को फिनिल कहते। तो ये जो लगा है C6H5, तो इसका नाम, ये जो इतना है ये सैलिसाइलेट है, और ये जो ये फिनिल है, तो इसका नाम क्या रहेगा, फिनिल सैलिसाइलेट। और बेटा एक बार ध्यान में रखना रे, वो जो फिनिल ग्रुप है उसके अंदर भी 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड रहेंगे, ये बॉन्ड उसके अंदर पकड़ा जाएगा, ये वाला बॉन्ड, बिकॉज बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन निकालते, तो C6H5, तो 11 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड रहेंगे। हमने हाइड्रोजन निकाल दिया, वो बॉन्ड चला गया, याद करो अपने C6H6 रहता तो 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड रहते, जब हम एक हाइड्रोजन निकाल दें वो बॉन्ड चला जाएगा, तो वो जाएगा 11 सिग्मा 3 पाई, तो इसके अंदर 11 सिग्मा 3 पाई, इसमें 11 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड रहेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड इसपे पकड़ लो, तो 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड, इसके अंदर के 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड, फिर ये OH के अंदर का एक और सिग्मा रहेगा, ये C डबल बॉन्ड O के अंदर, देखो ना ये बॉन्ड तो ऑलरेडी पकड़ में आ गया इसके अंदर, फिर ये इसके अंदर एक सिग्मा एक पाई और ये सिग्मा, और ये बॉन्ड जो था वो अपन ने ऑलरेडी फिनिल के अंदर पकड़ लिए थे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इसके अंदर के सिग्मा और पाई बॉन्ड कौन एक्यूरेट बताएगा। वैसे अगर कोई समझदार बच्चा हो तो 12 सिग्मा 3 पाई ये इसके अंदर पकड़ लो, 12 सिग्मा 3 पाई मतलब कितने हो गए भाई, 12 दो डजन हो गए, 24 सिग्मा और 6 पाई बॉन्ड हो गए, 24 सिग्मा हो गए, 25 26 ये 25 और 26 26 सिग्मा हो गए, और ये एक पाई, तीन और एक 4 पाई, तो 26 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड हो गए। समझा तो ठीक है, तो टेंशन मत लेना। इसका दूसरा नाम है फिनिल सैलिसाइलेट, इज कॉल्ड एज सैलॉल, SALOL, और सैलॉल एक एंटीसेप्टिक है। ये सब टॉपिक, हाँ 5 पाई बॉन्ड रहेंगे, वेरी गुड, उबेद अली ने से आंसर दिया, बिकॉज वो 3 और 3 6 हो गए थे पाई बॉन्ड, और इधर का भाई 12 सिग्मा 3 पाई, 12 सिग्मा 3 पाई, 6 पाई बॉन्ड हो रहे ना, और एक पाई यहाँ का रहेगा ना, ये 7 रहेंगे ना पाई बॉन्ड, बिकॉज ये भी बेंजीन रिंग ही है ना, 12 सिग्मा 12 सिग्मा 3 पाई, 12 सिग्मा 3 पाई, तो 24 सिग्मा 6 पाई, 25 26 26 सिग्मा बॉन्ड और 7 पाई बॉन्ड, प्रज्वल बानर्जी ने आंसर सही दिया, 26 सिग्मा एंड 7 पाई, मैं लगे तो इसके नीचे लिख देता हूँ कि इसमें 26 सिग्मा बॉन्ड है और 7 पाई बॉन्ड है। अब आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के क्वेश्चन समझ में आ रहे, समझ में आ रहे सिग्मा और पाई बॉन्ड के क्वेश्चन, वेरी गुड। और ये मैंने जो कंपाउंड बताया ना, डरो मत इससे, नहीं 27 नहीं 26 27 ना, हाँ नहीं हाँ ये इधर का OH का भी एक बराबर बराबर, ये इसका भी रहेगा ना, ये इसका, ये अपन इधर का देखे ना, इधर का ये OH का भी एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ का एक यहाँ का सिग्मा बॉन्ड रहेगा, तो ये 27 सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी 27 सिग्मा और 7 पाई बॉन्ड, 7 पाई बॉन्ड नॉट 5 7, अटेंशन मतलब ये नहीं समझा तो बाद में फिर कभी ले लेंगे इसका, अच्छे से कल स्प्लिटिंग करके स्ट्रक्चर बनाएंगे लगे तो, जैसे हमने आज आते बराबर जो स्ट्रक्चर बनाते पैरासिटामोल के, ये समझ में आया, तो बहुत सिंपल था। आप एसिटिल सैलिसैलिक एसिड से, ये सैलिसैलिक एसिड से मिथिल सैलिसैलेट और फिनिल सैलिसैलेट बनाते, मिथिल सैलिसैलेट का नाम है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, और फिनिल सैलिसैलेट का जो नाम है वो सैलॉल है, सैलॉल ये वही है जो सैवलॉन में यूज करते, वो सैवलॉन जो है ना उसमें सैलॉल ही होता है, एंटीसेप्टिक, डेटॉल का बड़ा भाई है सैलॉल, डेटॉल पता है आपको, तो डेटॉल
और ये सैलॉल, वो कोई टेंशन मत लो, ऑयल ऑफ इंटरन, अगर ये जो तीसरा कंपाउंड है पहले वाला, ये हम कल के एपिसोड में देखेंगे, और एक्चुअल में वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आपको बताना है कि कंपाउंड कौन सा है। सैलिसिलिक एसिड से तीन कंपाउंड बना के दिखा रहा हूं मैं, नहीं तीसरा कंपाउंड मैं बताऊंगा। तीसरा कंपाउंड कौन सा है बताओ, फटाफट गेस करो। ये तीसरा एस्पिरिन, शाबाश रोहन खराटे, वेरी गुड गायत्री, देन नुमान, सब बच्चों ने आंसर एस्पिरिन। अब ये खरमुरो, मैंने ये जो एसिटिल ग्रुप बताया था इसका यूज बाकी है ना अभी, ये CH3CO, याद करो ये, देखो ये COH को COH रहने दो। हम अभी क्या कर रहे थे, COH का H निकाल रहे थे, अब OH मजा ले रहा था, बोले भाई तेरा देखो ना, हम क्या करते COH का H निकाल रहे थे और OH एज इट इज रह रहा था। हम COH का H निकाल रहे थे, OH मस्त मजा देख रहा था। अब COH के H को रहने दो, OH की कनफट्टी बजाओ। अब बोले तेरा बहुत हो गया, अब तेरा नंबर आएगा बेटा, तो OH का हाइड्रोजन निकालेंगे। पर जब OH का हाइड्रोजन निकालते ना, तो सैलिसिलिक एसिड सैलिसिलेट नहीं होता, वो सैलिसिलिक एसिड सैलिसिलिक एसिड ही रहेगा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? एक एसिड के जगह एट कब आता, जब आप COOH का H निकालते कार्बोक्सिल ग्रुप का, हम ये OH का H निकालेंगे, वो सैलिसिलिक एसिड ही रहेगा, और उस H के बदले, इस H के बदले हम वहां पे डाल देंगे CH3CO ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो मैंने बताया, जिसको हम कहते हैं एसिटिल ग्रुप। तो हम एसिटिल ग्रुप इसके बदले डाल देंगे यहाँ पर, ये H के बदले ये डाल देंगे, तो बन जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है एस्पिरिन। तो एक बात बताओ, सैलिसिलिक एसिड से हमने कौन कौन से तीन कंपाउंड बनाए? एक बना है हमने मिथिल सैलिसिलेट, जिसको ऑयल ऑफ इंटरग्रीन कहते हैं, एक बना है फिनिल सैलिसिलेट, जिसको सैलॉल कहते हैं, और एक बना रहे हम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जो ऑलरेडी बना चुके, उसको एस्पिरिन कहते हैं। रिमेम्बर, जब आपको सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बनाना होता है, तब आप ये OH का H निकालते, ना कि COOH का H निकालते। तो ये मैंने तो पहला कंपाउंड है वो ऑलरेडी बता दिया था, कल मैं आपको डेटॉल वगैरह और कुछ दूसरे कंपाउंड बताऊंगा, एसिड एनिलाइड। डेटॉल अगर कुछ बच्चों को करना ही है तो डेटॉल बता देता हूँ, ये डेटॉल है, और OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उनको नंबर दे दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम ये कार्बन को नंबरिंग दे सकते, क्लॉक वाइज भी दे सकते, एंटी क्लॉक वाइज भी दे सकते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दो नंबर के कार्बन को क्लोरीन अटैच करना है, 4 नंबर के कार्बन को क्लोरीन अटैच करना है, 3 नंबर के कार्बन को मिथिल अटैच करना है, और 5 नंबर के कार्बन को मिथिल अटैच करना है। ये बन गया डेटॉल, दिस इज द डेटॉल, और इसका नाम करेगा 2,4, 2,4 क्लोरो, क्लोरो को डाय क्लोरो कहते हैं, 2,4 डाय क्लोरो, 2 क्लोरीन करके डाय क्लोरो, 2,4 डाय क्लोरो, 3,5, 3,5, 3 और 5 नंबर के कार्बन को मिथिल ग्रुप अटैच है, 2 मिथिल करके डाय मिथिल। एक बात बताओ रे खरमुरो, ये सपोज सब ग्रुप गायब रहते, ये नहीं रहते, सिर्फ बेंजीन को OH अटैच रहता, तो क्या रहता? फिनॉल। तो हमने इन सबको अलग से पढ़ लिया खरमुरो को, अब बचा क्या फिर अपना, दैट इज 2,4 डायक्लोरो, 3,5 डायमिथिल फिनॉल। बेटा ये अगर किसी भी किराना दुकान को चिट्ठी भी लिख के दिया ना, उसकी जिंदगी चले जाएंगी, पर वो कभी दुकान से सामान निकाल के देगा कि आपने उसको मांगे क्या, ठीक है? अगर उसने लिख, आपने चिट्ठी भी लिख दी भैया 2,4 डायक्लोरो, 3,5 डायमिथिल फिनॉल के 2 बॉटल दो, और बोला आराम से 10-15 साल निकालो, ढूंढ के बाद में लेके जाता लगेगा अगर, तो नॉट पॉ, हाँ उसके लिए डेटॉल की 2 बॉटल तो मिल जाएगा। तो डेटॉल का ही दूसरा नाम क्या है, 2,4 डायक्लोरो, दूसरा नाम यानी ये उसका IUPAC नेम है, 2,4 डायक्लोरो, 3,5 डायमिथिल फिनॉल, 10-15 बार यही बोलना, ये डेटॉल का केमिकल नेम। रिमेम्बर 1 पॉइंट, 2013 के नीट में क्वेश्चन आया था, नीट 2013 जब भारत देश में पहली बार नीट आया था, तो उसमें ये आया था डेटॉल कौन से 2 कंपाउंड से बनते हैं। ये मैं नाम बता देता हूँ, उनके भी फार्मूले है, पर अभी आपको फार्मूले पे फोकस नहीं करना है। वो कंपाउंड है क्लोरोक्साइलिनॉल, प्लस टर्पेनॉल,
क्लोरोक्सिलिनॉल प्लस टर्पेनॉल से डेटॉल बनता है। जैसे आपके जो चाह बनाते अपन घर पे, वो पानी, दूध, शक्कर, चाह पत्ती, गैस, बोले सर अपन बगैर पानी की पीते, ठीक है, दूध, शक्कर, चाह पत्ती, शुगर, टी पाउडर, मिल्क, तो ऐसे जो डेटॉल बनता है ना, वो क्लोरोक्सिलिनॉल और टर्पेनॉल को मिला के बनता है। समझ में आया? मेरे ख्याल से आज जरा हीवी डोस हो गया आपको। सब बच्चे बिल्कुल सिट्टे बिट्टे गुल दिख रहे होंगे, बिल्कुल सदमे में है लगता है। कोरोना से इतने डर रहे होंगे जितने इससे डर गए होंगे, अभी क्या पढ़ लिया अपन ने, तो टेंशन मत लो, ये अपन कल रिपीट भी करेंगे, ठीक है? रिपीट करे बाद में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हमने जो जो कंपाउंड लिए, इसको अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, सिग्मा बॉन्ड पाया बॉन्ड निकालना सीखो। मैं इसको आपको कल और बताऊंगा, सिलेबस में इसको एक बार और देखेंगे, एक बार ओरली और रिवाइज करेंगे, तो बहुत बार हो जाएगा, तो ध्यान में रहेंगे आपके। ये सब चीजें पेपर के अंदर पूछे थे, आज के लिए इतना काफी है। अब कोई क्वेश्चन किसको पूछना हो तो फटाफट 2 मिनट के अंदर पूछ लो भाई। सैयद आफान पूछो। हेलो सर, सर हाँ बोलिए। हेलो सर, अगर आपने जैसा बताया कि अभी सैलिसाइक्लिक एसिड है, उसमें हमने ऊपर फिनॉल का एक OH लगाया और बाद के हाइड्रोजन में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया, तो सर अगर उनकी पोजीशन भी चेंज कर दिए तो उनका नाम भी वही रहेगा क्या? नाम वही रहेगा। पोजीशन से कोई मैटर नहीं करता, नाम वही रहेगा। नहीं, पर जनरली पोजीशन ही होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर कॉमन नेम दिया ना हमने सैलिसिलिक एसिड का या मिथिल सैलिसिलेट, तो ये ऑर्थो पोजीशन के लिए ही दिए। जनरली पोजीशन वही होना चाहिए। यस सर। और मैंने नितिन सर का नंबर शायद से ऐप लिंक से लिए दिया था। नितिन सर आपका नंबर बोल दो एक बार। ये ऐप लिंक से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं आपको नितिन सर का नंबर दे रहा हूँ। हाँ, व्हाट्सएप नंबर ना, हाँ 7999075, एक मिनट, 7999075736, ये नंबर है नितिन सर का। If you have any queries related to app links and PDF वगैरह, जो app से related problem अगर हो तो इस number पे call करना। नितिन सर already lecture में बहुत busy रहते हैं, पूरे lecture पे वो watch करते रहते हैं। जबरदस्ती छोटी छोटी चीजों के लिए call मत करना। अगर आपको app आपका install हो गया होगा, lecture आप दिख रहे होगा, तो कोई जरूरत नहीं call करने की। बोले सर मैं call करके बोलता है, app बहुत अच्छा है। ठीक है, तू भी अच्छा रहे भाई फिर अब। ठीक है, और कृष्णा, कृष्णा सर ऐसा क्यों बोला जाता है कि पैरासिटामोल का डोज ज्यादा नहीं होना चाहिए बॉडी में? देखो, कोई भी जो ड्रग है, केमिकल ड्रग्स, उसका डायरेक्ट यूज अगर ज्यादा यूज करते हैं तो हमारे बॉडी ऑर्गन में सबसे पहले डैमेज होता है किडनी। कुदरत ने, अल्लाह ताला ने, भगवान ने हमको जो जो चीजें दी हुई है ना, उसको नेचुरल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। बट आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा केमिकल ड्रग्स, ड्रग यानी वो मॉर्फिन, कोकेन नहीं कह रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत वाला ड्रग नहीं कह रहा हूँ, ड्रग यानी कि दवाइयों को ड्रग कहते। इन चीजों का ज्यादा यूज होने की वजह से, कोई भी पैरासिटामोल नहीं, इवन सबसे ज्यादा जो हार्मफुल होता है पेन किलर होता है। पेन किलर जो अपने किडनी के फंक्शन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो अच्छा खाना खाना चाहिए, प्रॉपर नींद लेना चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज करना चाहिए, और हो जितना हो सकते उतना ये फालतू जो केमिकल चीजें, इनसे बचना चाहिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने लाइफ। हम लोग खाने में प्रॉपर ध्यान नहीं देते, हम चाइनीज वगैरह या जो अलग ऐसी चीजें जो मुंह से खाने में अच्छी लगती है वो खाते हैं। अपने हेल्दी खाना खाना चाहिए। मुझे लगता है हर बच्चे ने डेली एक आधा फ्रूट्स तो खाना चाहिए, ग्रीन सलाद खाना चाहिए। भले आपको खाने के लिए अच्छी ना लगे, पर आपके ये हेल्थ के लिए अच्छा है, तो आपको आगे चल के फिर ये पैरासिटामोल का भी काम नहीं पड़ेगा, एस्पिरिन का भी काम नहीं पड़ेगा। नींद अच्छी रखना चाहिए और एक्सरसाइज तो जरूर करना चाहिए, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो। समझ में आया? और सैयद सालिम। यस सर। सर कभी हमने आपका वीडियो ऑन करो, हाँ बोलो।
सैलिसिलिक एसिड से ओएच निकाले, वो पेज बताएंगे सर आप जरा, वो पेज तो एच निकाले हमने, फिर हम थ्री लगा दे रहे तो हाइड्रोजन तो और आ जा रहा ना उसमें, हाइड्रोजन मिसिल में आ रहा है ना सी एस थ्री सी ओ में, उसमें चलता है OH का H निकालना है, OH का हाइड्रोजन अलग चीज है और ये हाइड्रोजन अलग चीज है, इधर का हाइड्रोजन हमको यहाँ का H निकालना है, वो एक ग्रुप है, समझ में आया? हाँ ठीक है। हाँ और अभी आपकी बुआ कुलकर्णी सर की बैच है, कल 12 से 2 हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, आपका कल शायद से एक ही लेक्चर रहेगा वो केमिस्ट्री का रहेगा, उसके बाद आपको कल संडे तो छुट्टी रहेंगे, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू, बट मुझे छुट्टी नहीं है, मेरी कल 10 से 12 भी बैच है, 12 से 2 भी बैच है, एग्जाम टाइम पास में है बच्चों का, आपकी 12 की बैच इसलिए लेट शुरू होती कभी कभी क्योंकि मैं 12 15 तक के मैं उस हॉल में ऑलरेडी बैच लेते रहता हूँ, मैंने इसके लिए बताया था आपको, तो उम्मीद कर तो आप सब लोग अच्छे से रह के थोड़ा समझदारी से काम लेंगे, ये जो कंपाउंड आज के ना आज हाथों हाथ इसको 10 10 बार एक एक कंपाउंड को लिख लिख के देखो, OH रहा तो फिनॉल, CH रहा तो बेंजाइल, ऐसा लिख लिख के देखो, इसकी प्रैक्टिस करो, और मैंने जो कुछ होमवर्क दिया आपको, डेटॉल कौन से 2 कंपाउंड से बनता है, क्लोरोक्सिलिनॉल प्लस टर्पिनॉल, ये लिख लिख के देखो, ये सब नया है, प्रैक्टिस करेंगे, ये सब पेपर में पूछा जाता है आगे चल के, अब अभी से पढ़ते रहेंगे तो आप जब भी फ्यूचर में आपको 12th में पढ़ने के लिए मिलेगा तब आप उस वक्त खुद को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि आपको ये पता है करके, इधर उधर नहीं देखेंगे झामले के साथ ये क्या चल रहा करके, अभी बेसिक का समय, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिक मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला सिग्मा पाई बॉन्ड ले रहा हूँ, आज की तारीख 1 मई है, हैप्पी महाराष्ट्र डे टू ऑल ऑफ यू, 5 मई तक की आपकी स्कॉलरशिप वैलिड है, 5 मई से पहले, और अभी एडमिशन बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन पे भी एडमिशन कर सकते हैं, आप स्टूडेंट केयर नंबर पे कॉल करके क्लास का फोन पे गूगल पे या नेट बैंकिंग के इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, आज के लिए तक काफी, रिमेनिंग टॉपिक विल कंटिन्यू बट टुमारो, टिल देन अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।